हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम लोग खाना बना रहे हैं तो उसको मन से बनाओ, खाना बहुत अच्छा बनेगा। हम लोग घूम कर आ रहे हैं तो एंजॉय करो उस मोमेंट को, बहुत अच्छे से हम लोग फील करेंगे उसमें। हम लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको भी इंजॉय करना ज़रूरी है। अगर हम लोग इंजॉय नहीं करेंगे तो हम लोग इतना स्ट्रेस ले लेंगे अपने माइंड में कि उस स्ट्रेस को हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कहते हैं ना कि इफ़ यू वर्क विद लव यू वर्क लाइक एन एम्परर, बट इफ यू वर्क विदाउट लव यू वर्क लाइक अ स्लेव। आपको एक किंग की तरह काम करना है या फिर एक दास की तरह काम करना है, एक स्लेव की तरह काम करना है। यू वॉन्ट टू वर्क लाइक अ किंग ना, सो यू हैव टू इन्जॉय द वर्क। आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, हो सकता है क्योंकि सबके अपने अपने एरियाज होते हैं, स्ट्रांग एरियाज, वीक एरियाज, हो सकता है कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग सकता है। बट अगर आप ये समझ लोगे ना कि ये जो एग्जामिनेशन है वो कुछ फैक्टर्स का खेल है, किन फैक्टर्स का खेल है, कि हम कैसे पढ़ते हैं, एग्जामिनर पेपर कैसे सेट करेगा, किस माइंडसेट से करेगा, हमारा जो पेपर चेक होने वाला है उसके अंदर हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं, या फिर पेपर किस तरीके से चेक होने वाला है ना। अगर ये फैक्टर्स हम लोग दिमाग में रखेंगे ना, तो हम लोग एकदम प्रैक्टिकल तरीके से सब चीज़ों को कर पाएंगे। अगर हमें समझ में आ गया ना कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहने वाला है, तो हम उस सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू करेंगे कि हाँ मुझे इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से नहीं करना। फिर हमारी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, दैट मीन्स वी आर एंजॉइंग द वर्क। लेकिन अगर आप मन मार के क्वांट कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट बी डिटरमाइंड हेयर कि आपको अच्छे से इंजॉय करके हर चीज़ को करना है, अच्छे से समझ के करना है। इंजॉय करना मतलब समझना, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करना, फिर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सो वर्क लाइक एन एम्परर, बी एन एम्परर, डोंट बी लाइक अ स्लेव, बिकॉज दैट विल नॉट मेक योर लाइफ गुड, दैट विल रुइन योर लाइफ। सो डिसीजन इज योर्स, व्हाट यू हैव टू डू।